بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقائد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب पंद्रहवीं रजब की रात को जिस तरह से कि मैंने ऐलान किया था कि मजलिस शहादत इमाम जाफर सादिक के बाद 25वीं रजब की इस रात को हम फिर जमा होंगे और इसलिए कि ये शब गरीब बगदाद से मंसूब है हजरत मूसा इब्न जाफर से बहुत ही मखसूस तारीख है। आज अहले काजमैन मखसूसी अदा कर रहे हैं और जो कबाइल आज बारगाह इमाम में सलाम के लिए हाजिर है। मैं चाहता था कि आप इस मासूम के मुतालिक बाज बातों को याद रखें और समझने की कोशिश करें। यूं तो जब कभी मौका मिलता है मैंने इस मासूम के लिए आपकी खिदमत में बाज उमूर को पेश किया है, लेकिन खुसूसियत के साथ नौजवान तबके को जो सही माना में आने वाली नस्लों तक हमारा पैगाम रसा है, ये याद रखना चाहिए कि बहुत ही अजीब खुसूसियात के हामिल हैं ये इमाम। तारीख इमामत में दो मासूम ऐसे हैं कि इल्मी एतबार से जिनका बड़ा सख्ती के साथ दुनिया ने मुकाबला किया। इल्मी एतबार यानी उसको यूं अदा किया जा सकता है कि एकेडमिक अपोजिशन, इल्मी इख्तलाफात के शदीद अदवार दो मासूमीन के साथ थे, एक हजरत मूसा इब्न जाफर, दूसरे इमाम हसन अस्करी। ये दो इमाम हैं कि जिनके लिए ऐसा माहौल तैयार किया गया कि हर तरफ से अफकार ताजा मुकाबिल पर। अब मेरे इस जुमले को समझने के लिए जरा सा तारीखों को याद रखने की कोशिश कीजिए। हजरत मूसा इब्न जाफर का सिन
57 साल का है और बाद रिवायतों में तो 55 साल का है, यानी 183 हिजरी में आपकी शहादत, और इस तरह से 126 हिजरी या 127 हिजरी में आपकी विलादत। 126 या 127 के माना ये होते हैं कि इमाम सादिक की वफात जो 148 हिजरी में हुई है, उस वक्त हजरत मूसा बिन जाफर या 20 बरस के थे या 21 साल। एक बात तो हर नौजवान को हमारे मकतब के बहुत इत्मीनान और बड़े एहतमाम के साथ महफूज रखनी चाहिए, वो ये कि चंद सनों साल हैं जो जबान पर है। 11 हिजरी वफात खत्म मतबत और वफात जहरा, 40 हिजरी वफात अमीर उम्मीन, 50 हिजरी वफात इमाम हसन, 60 और 61 हिजरी वफात इमाम हुसैन, 94 या 95 हिजरी शहादत इमाम जैनुल आबिदीन, और इस तरह से 124 वफात इमाम बाकर, 148 शहादत इमाम जाफर और 183 हजरत मूसा बिन जाफर। हम यहाँ रोकते हैं, फिर ये तारीख कभी और दोहराई जाएगी। तो ये जमाना 55 बरस या 57 बरस का इस एतबार से काबिल गौर है कि यही एक मासूम है कि जिसको चारों फुकहा का वो दौर में असर आया कि जिसमें मकातीब फिकही इस्लामी के चार फुकहा मुखालफत पर फतवे दे रहे थे, यानी अब इन्हीं के दौर में है इमाम आजम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इन्हीं के दौर में है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इन्हीं के दौर में है इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इन्हीं के दौर में है इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। एक मासूम है और मुकाबिल में फतवा देने वाली इतनी ताकतें हैं, मगर किसी में ये हिम्मत नहीं है कि फतवा देते हुए ये कहे कि अनजद्दी मेरे जब से मैं नकल कर रहा हूं। इन चीजों को याद रखने के लिए अब आइए फिर उन सनीनों साल पर नजर डालें, और इन बातों को बार बार सुनना इसलिए जरूरी है कि आप याद रख सके। अगर हम खुद बार बार मुताले में न रखें इन तारीखों को तो हम खुद भूल जाते हैं, आपसे क्या गिला है। मैं अर्ज कर चुका हूं कि 183 इनका सन वफात है, सन शहादत है हज़रत मूसा बिन जाफर का। तो अब ये चारों फुकहा के सन वफात याद रखें, इमाम आजम की विलादत 80 हिजरी की है, वफात 150 हिजरी, मैंने दौरे मूसा बिन जाफर को दर्क किया। इमाम शाफई की विलादत 150 हिजरी है और वफात 204 हिजरी है, इनकी शहादत 183 हिजरी है, इसलिए शहादत मूसा बिन जाफर के वक्त इमाम शाफई 33 बरस के हैं। बिल्कुल इसी तरह से इमाम मालिक के जिनका सन वफात 94 हिजरी या 95 हिजरी है, पूरा दौर दर्क किया है हजरत मूसा बिन जाफर, और सबसे आखिर में इमाम अहमद इब्न हम्बल है के जिनकी वफात 241 हिजरी में है, उनका सन विलादत 164 हिजरी है, 9 बरस की उम्र में फतवा देने के काबिल हो चुके थे, रोजे शहादत मूसा बिन जाफर इनका सन 19 बरस का हो चुका था, और इनका एक मुस्तकिल दर्स था बगदाद में, हुकूमत ने इनको तलब किया
और कहा कि जाके मूसब नजाफर की लाश को देखो और देखो कि कोई आला ऐसे निशानियां तो नहीं है कि जिससे ये पता चले कि इनकी मौत किसी और वजह से वाकई हुई है, और ये कह के एक सर बमोहर सुर्रा इनके हवाले कर दिया अशरफियों का कि तुम एक झूठी गवाही दे देना। इन्होंने जाके कफन हटा के लाश को देखा, सर पीट के बाहर आए और कहा कि अगर जिंदगी भर मुझे कैद में रखो तो ये फतवा नहीं दूंगा, इसलिए कि सर से लेके पैर तक तो ताजियानों के निशान। ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल की गवाही है हजरत मूसब नजाफर। और इस वाकये को सारे मौर्खीन ने लिखा। तो अब आप इन बातों को समझ गए कि चारों फुकहा एक दौर से मुसलसल और एक दौर से मुंतबिक हो रहे हैं। फिकी एतबार से हर एक का मसलक अलग है। फुरू में सबों ने इख्तलाफ किया है, यानी छोटे से छोटे मसले को लेकर उसूल तक इख्तलाफात, और उन इख्तलाफात में आज तक कोई सुलह की सूरत नहीं है। मकातिब फिकही, ये मकातिब फिकही इधर काम कर रहे हैं और उधर, यही वो दौर है हारून रशीद का कि जब यूनानी फलसफे को अरबी जबान में मुंतकिल किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी सूरत फलसफे की इस तरह से सरपरस्ती की जाए कि ये घराना आले मोहम्मद का जो दावत दे रहा है कि अक्ल को कभी न छोड़ो और अक्ल का दामन हाथ से न छूटने पाए, तो इस घराने को जख्म पहुंचाने के लिए फलसफे यूनान को उठाया जाए ताकि ये बतलाया जाए कि अक्ल का ये हुक्म है कि कायनात अपनी फितरत पे कायम है, वजूद बारी साबित नहीं है। इस तरह से मुकाबले में अब फलसफी भी आ चुके हैं कि जो यूनान के मुख्तलिफ अफकार को तर्जमा करके अरबी में पेश कर रहे हैं ये दौर। और इधर इमाम इरशाद फरमाते हैं हशाम से इसी आयत को पढ़कर जिसकी मैंने तिलावत की, हजरत मूसब नजाफर, ये सूरह जुमर की आयत है। सूरह जुमर कुरान मजीद का 39वां सूरा है कि मेरे बंदों को खुशखबरी दो, फबशिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिउन अल-क़ौल, मेरे बंदों को बशारत दो जो हमारी बातों को सुनते हैं, जो हर कौल को सुनते हैं, फयत्तबिउन अहसनहू, और उसमें से जो बेहतर बात नजर आ जाए उसकी पैरवी करते हैं, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं अल्लाह ने जिनकी हिदायत की है, वो उलाइकहुम उलुल अलबाब, यही वो लोग हैं जो साहिबान अक्ल। फलसफा उस दौर में अक्ल से ये मुराद लेता है कि इनकार माबूद हो। मूसब नजाफर अलैहिस्सलाम हशाम इब्ने हकम से कहते हैं कि हशाम, अक्ल नाम है इस अम्र का कि इंसान तस्दीक करे कि खुदा पर सच कौन बोलता है, और अक्ल इस बात की तकजीब करे कि खुदा पर झूठ कौन बोलता है। युसद्दिकु सादिक अलल्लाह अल्लाह, तस्दीक की जाए अल्लाह पर सच बोलने वाले की, तकदीक की जाए अल्लाह को झुठलाने वाले की। ये अक्ल की तारीफ है इस घराने की। बहरहाल एक तरफ फलसफा रूबका, एक तरफ फुकहा रूबका, तीसरी तरफ यही वो मासूम है कि जिसके दौर में चार सूफियाए किराम अपने अहम तरीन मसाइल तसव्वुफ को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं हुकूमत की सरपरस्ती के साथ। सुफियान सूरी, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, शकीक इब्ने इब्राहिम बलकी और
यही वो दौर है कि जिसमें अहम तरीन सूफी भी शामिल हो जाता है कि जिसको मारूफ करखी के नाम से याद करता है। यानी सूफिया अपने मसाइल को पेश कर रहे हैं, फलासफा अपनी फिक्र को पेश कर रहे हैं, फुकहा अपने मकातिब फिकही को पेश कर रहे हैं, हुकूमत चाहती है कि कतनी मर्तबत के दीन की रिजिडिटी या उसकी सख्ती बाकी न रहे अवाम पर, ताकि वो आसानी के साथ अय्याशी की जिंदगी बसर कर सकें और कोई रोकने वाला न हो। ऐसे मौके पर एक शख्स को यह जिम्मेदारी कुदरत सौंप देती है कि तुम हुकमा का भी मुकाबला करो, फुकहा का भी मुकाबला करो, सूफिया का भी मुकाबला करो, बादशाहों का भी मुकाबला करो, और हाँ मूसा इब्न जाफर शर्त यह है कि जिंदगी भर कैद में रहो। तो आप अंदाजा कर रहे हैं कि क्या खिदमत अंजाम दी है इस तवील दौर में आपने। यानी देखिए, अगर पैगाम कहीं भी यह मुनकता हो जाता दौरे इमामत में, कहीं किसी मंजिल पे, जो अली से हसन तक पहुंचा, हसन से हुसैन तक पहुंचा, हुसैन से सैयद साजिदीन तक पहुंचा, अगर ये पैगाम कहीं भी मुनकता हो जाता तो आज आप में इतनी कुव्वत न होती, आज आपकी फिका में इतनी ताकत न होती। यहाँ अन अभी अन जद्दी कहते हुए पैगाम को आगे बढ़ाया जाता है कि मेरे बाप ने कहा, मेरे दादा ने कहा। ऐसे मौके पर मजाल क्या है कि सिलसिले इबलागो तबलीग में तअत्तुल आ जाए, जमाना मुअत्तल कर दे किसी आदि को। नहीं, जिम्मेदारी सौंपी गई गरीब बगदाद बाबुल हवाई जिनका नाम है, और आज रात को काजमैन में जितने जमा होंगे सब पुकार रहे होंगे, या बाबल हवाई, या बाबल हवाई। एक बात याद रखिए, भूल जाऊंगा, आगे चलकर खुसूसियत से यह हुक्म मिला है हमको कि जिस्मानी दर्दों और जिस्मानी अमराज के लिए इनसे मुतवस्सिल होना जरूरी है। इमाम मूसी काजी मुझे खुसूसन जिसको आंखों की तकलीफ हो उसके लिए इरशाद हुआ है कि अपनी दोनों आंखों पर उंगलियों को रख के बे अख्तियार कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अतवस्सल इलैका बे मूसा इब्न जाफर, परवरदिगार मैं मूसा इब्न जाफर के वास्ते से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी बसारत को बाकी रख। अल्लाहुम्मा, ये मासूम का इरशाद है, अल्लाहुम्मा इन्नी अतवस्सलु इलैका बे मूसा इब्न जाफर, परवरदिगार मैं वास्ता देता हूँ, वसीला बना रहा हूँ मूसा इब्न जाफर को मेरी बसारत के क्याम के लिए। तो आपने देखा, जो जिंदगी भर कैद की मुसीबतें झेले वो दोस्तों को यूं बचा ले। गुफ्तगू तवील नहीं हो सकेगी, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, लेकिन मैंने तस्करे में दो मासूम का नाम लिया था, इसलिए चाहता हूँ कबल इसके कि हजरत मूसा इब्न जाफर के सिलसिले में कुछ और अर्ज करूँ, दूसरे मासूम के लिए भी इस सिलसिले में बतला दूँ। मैंने अर्ज किया था कि दो मासूम ऐसे हैं कि जिनका बड़ा शदीद मुकाबला किया गया आगाज गुफ्तगू। पहले तो मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम के जिनके दौर में चारों फुकहा फलासफा हैं, सूफिया हैं, और फिर शदीद तरीन मुखालफत है हुकूमत की तरफ। यानी जहां हमारा मुअर्रिख ये नाज करता है कि ये तारीख इस्लाम का सबसे दुरख्शां दौर था, वहां हमारा गरीब मुसन्निफ ये लिखता है कि ये वो दुरख्शां दौर था कि मूसा इब्न जाफर को उनके जद के रौजे से गिरफ्तार किया। तो दुश्मन जमाना और ऐसे में तबलीग की खिदमत का अंजाम देना, तदवीन में तअत्तुल का पैदा न होने देना, ये इसी इमाम का काम। मैं अभी वापस आता हूं, मगर दूसरा वो मासूम
के जिसके मुतालिक मैंने अभी अर्ज किया शदीद मुखालिफत हुई वो अबू मोहम्मद हसन अस्करी। ये हमारे ग्यारहवें इमाम हैं, जैसा कि मुझे याद पड़ता है इसी अज़ाखान ज़हरा में अस्करियन के उन्वान से मैंने जब तकरीरें की थी सातवीं और आठवीं रबीउल अव्वल को, तो मैंने तफसील देने की कोशिश की थी। एक बात आप भी याद रखें कि ये वो मासूम कि जैसे इमाम मुसब न जाफर के मुकाबिल में चारों फुकहा, इसी तरह इमाम हसन अस्करी के मुकाबिल में छह मुहद्दिस हैं, यानी पूरे सहाय सित्ता के लिखने वाले इस दौर में। इमाम बुखारी भी इसी दौर में है, हजरत मुस्लिम ने हज्जाज भी यही दौर में है, तिर्मिजी का भी यही दौर है, जितने हैं यहाँ तक के इमाम निसाई इब्ने माजा सब इसी दौर, और सब का काम यह है कि मुसलसल यही हदीस करते जाएं कि हमने अपने रावी से सुना, उन्होंने अपने शेख इजाजा से सुना, उन्होंने अपने उस्ताद से सुना कि रसूल ने यह कहा, और उनके मुकाबले में इमाम हसन अस्करी का यह आलम है कि मुसलसल ये कहें कि मैंने अपने पिदरे गिरामी से सुना, अपने पिदरे गिरामी से सुना, उन्होंने अपने पदरे गिरामी से सुना, यहाँ तक कि रसूल ने यह कहा कि ये झूठ है। तो इस तरह से पूरे सहाबा सित्ता के लिखने वाले एक दौर में जमा हो, और ये 260 हिजरी तक का जमाना। मगर तदवीन को चूंकि मुकम्मल करना था दौरे तशरी के बाद, इसलिए हजार मसाइब के साथ हजार मसाइब ये तय किया गया कि तदवीन में तातुल नहीं होगा। हजरत मूसा बिन जाफर की पूरी जिंदगी कैद में गुजरी, और इमाम हसन अस्करी की पूरी जिंदगी सुरमनरा के कैद खाने में गुजरी, मगर दोनों ने ऐसे मुआशरे की तखलीक की कि जहां यह तय किया गया कि अब न बातिल का हक में दाखिल होने का इम्कान है, न इस बात का इम्कान है कि बातिल हक का लिबास पहन ले, जो अम्र है वाज़ह कर, वरना इतनी सऊबतें उठाने के बाद कोई और इंसान होता तो किसी एक फकीह को अपना हमनवा कर लेता, किसी एक सूफी को अपना हमनवा कर लेता, किसी एक फलसफी को अपना हमनवा कर लेता, अपने ग्रुप को और अपने मुआशरे को कवि बनाता। नहीं, कुव्वत इसी में है कि अगर सारी दुनिया बातिल है तो सारी दुनिया पर जद, सारी दुनिया पर को रद्द किया जाए, सारी दुनिया को हटाया जाए और आवाज दी जाए ये सब गलत, हक एक ही जगह, हक एक ही जगह है। ये है वो मंजिल जहां हमने अपने गरीब इमाम को पाया। हजरत मूसा बिन जाफर के सिलसिले में चंद बातें और जरूर, वो ये कि इस दौर में तसनीफ और तालीफ का काम बहुत हुआ है, और हम्माद इब्न ईसा मशहूर असहाब इजमा में से है, और ये जो कुछ भी इमाम से सुनता है उसको महफूज कर लेता है। हशाम इब्न हकम इमाम का मशहूर कातिब है, उसने जो कुछ इमाम से सुना लिख लिया है, और इस तरह से जकीम किताबें फिका में, हदीस में, तफसीर में, उसूल में इस दौर में तैयार हुई और अरबामिया की रूह रवा बन गई। इस पूरी जिंदगी पर एक तायराना नजर डालने के बाद ऐसा मालूम होता है ये इस्मत ही का मकाम है कि बेखौफ मुकाबला हो। मेरे लफ्जों पर अच्छी तरह से तवज्जो रहे, मासूम ही बेखौफ मुकाबला कर सकता है कि जिसके दामन पे कोई दाग न हो, जिसके दामन पर कोई दुनिया की मोहब्बत का धब्बा न हो, जिसकी जिंदगी बेलाओस हो, वो हाकिम से भी टकरा सकता है, हुकमा से भी टकरा सकता है, सूफिया से भी टकरा सकता है। इस तरह से वो अपनी राह को मरबूत हो मुसलसल कर सकता है। हजरत मूसा बिन जाफर
के मुतालिक आपको एक बात और याद रखनी चाहिए, वो ये कि शुजात बेनजीर शुजात है, कभी ये नहीं कि कैद की मुद्दत में किसी मौके पर कोई कमजोरी जाहिर हुई, बल्कि सऊबात को, जहमतों को कैद की बर्दाश्त करना भी बड़ी शुजात। रावी बयान करता है हजरत मुसब नजाफर को हारून के हुक्म से रौज़े रसूल से गिरफ्तार किया गया, उसने बगदाद तलब किया, बगदाद से बसरा वापस किया। बसरे में हारून का चचाजाद भाई ईसा वाली बसरा था, उसने उसकी निगरानी में इमाम मुसी कादिम को छोड़ दिया। एक साल बसरे में जब गुजर चुका तो ईसा ने हारून के नाम एक तारीखी खत लिखा, बहुत तवील खत है। उस खत के अल्फाज ये हैं कि पादशाह को मालूम हो कि जिस कैदी को तूने मेरे हवाले किया, वो कैदी सुबह की नमाज के बाद जब शुक्र का सजदा करता है तो जोहर का वक्त आ जाता है, और जब जोहर के ताकीबात से फारिग होता है तो असर की तैयारी करता है, असर के बाद सजदा शुक्र करता है, मगरिब का वक्त आता है, मगरिब की नमाज को खत्म करके वो इफ्तार करता है, और इफ्तार में दो लुकमों से ज्यादा नोश नहीं करता, फिर नमाज में मसरूफ हो जाता है। रात और दिन मैंने उसको दुआएं करते हुए, नमाजें पढ़ते हुए देखा है, अय हारून कहीं अजाब इलाही में तू मुब्तला न हो जाए। कोई समझ में नहीं आता कि इस सैयद की खता क्या है, समझ में नहीं आता कि इस गरीब की खता क्या है। अगर इस खत के जवाब में देरी हो जाए तो मैं इसको मदीना वापस कर दूंगा। वह सलाम वाली बसरा, जैसे ही ये खत हारून को पहुंचा, हारून ने हजरत मुसब नजाफर को बगदाद बुला लिया, और बगदाद बुला के सिंधी बिन शाहिक के हवाले किया। सिंधी बिन शाहिक हारून का मशहूर हाजिब है, जो बुग़्ज़े अहले बैत में एक खास मकाम रखता था। जब इसके हवाले किया गया तो इस हुक्म के साथ कि सुबह शाम आपके मज़लूम इमाम को ताज़ियाने लगाए जाए। मेरी जबान से यह जुमला कितनी आसानी से निकल गया, मगर कुछ आपको अंदाजा होता है कि तन्हाई के आलम में, कैद के आलम में आप पर जो जहमतें पड़ी, इन जहमतों का जिस अंदाज से आपने मुकाबला किया, उसका कोई दुनिया में आप मुकाबला नहीं कर सकते, कोई उसकी नजीर नहीं पेश कर सकते। इस गुफ्तगु को इस मकाम पर रखते हुए एक बात और, जो शायद आपके दिलो दिमाग में कहीं हो, मगर मेरा काम है कि खराश लगाते हुए चलूं। यही वो इमाम है कि जहां सिलसिले इमामत को मानने वाले भी आके बदल गए, और इमाम जाफर सादिक के बाद उन्होंने इमाम मूसी कादिन की इमामत को मानने से इनकार कर दिया, और अपने आप को इस्माइली फिरका करार देकर हजरत इस्माइल इब्ने जाफर सादिक की तरफ उन्होंने रुजू किया, जो बाप की जिंदगी ही में फौत हो चुके थे, और उनके बेटे मोहम्मद इब्ने इस्माइल की पैरवी शुरू की थी। तो खुद दोस्तों ही में फिरका बंदी हो चुकी थी, और ऐसे में एक बहुत सी जमीयत ये समझ कर के इस्माइल बड़े फर्जंद थे और उनको इमामत मिलनी चाहिए थी, एक शक पैदा किया और अपने रास्ते को अलग किया। यही वो इमाम है जहां से उसूल मजहब शीए इसना अशरिया का एक अहम मसला पैदा होता है, जिसको बदा कहते हैं। कि किस तरह से बदा वाक़े होता है, इस पर अब बहस नहीं करेंगे, मगर ये कि इमाम मुसब जाफर के लिए इमाम जाफर सादिक के नुसूस मौजूद थे, और नुसूस के साथ आपने तख्त इमामत को रौनक दी और इमाम करार पाए, और ये देखकर के साथी भी मुखालिफ हो गए, आइज़ा भी मुखालिफ हो गए,
आपने कभी अपनी कमजोरी या ज़ौफ का इजहार नहीं किया और इस तरह से वक्त गुजर चुका। एक अजीब बात यह है, आपके मौर्रखीन में तारीख और मुद्दत और वक्त कैद का मुअय्यन नहीं किया। किसी ने कहा 7 बरस कैद रहे, किसी ने कहा 10 बरस कैद रहे, किसी ने कहा 14 बरस कैद रहे, किसी ने कहा 24 बरस कैद रहे। बहरहाल मैं हमेशा पढ़ता हूँ, फिर पढ़ूंगा। दबीर ने एक अजीब शेर कह दिया, मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई। यानी सारा वक्त जिसका कैद खाने की नजर हो गया। ये मेरे तकरीर के आखिरी जुमले हैं, याद रखने की कोशिश कीजिए। गुलाम अली इब्न मुसर रजा का बयान करता है कि जब मदीने से असीर होके चले थे तो बेटे से खास तौर पे ये कहा था कि अली, जब तक मेरी कोई खबर ना आए, रातों को तुम्हारा बिस्तर दरवाजे पर रहे, तुम दरवाजे पर सोना। ये एक अजीब खसूसियत है इस वसीयत के मुताल्लिक। जमाना इतना मुखालिफ है आले मोहम्मद का कि इमाम इमाम को ये वसीयत कर रहा है कि मेरे बच्चों की हिफाजत लाजिम है, तुम दरवाजे ही पर सोना, अपने गुलामों को लेकर। रावी बयान करता है कि हर रात में इमाम का बिस्तर डाल दिया करता और आप नमाज शब के बाद आके आराम फरमाते। इसी तरह से कई बरस गुजर गए, एक रात मैंने देखा कि इमाम बिस्तर पे नहीं है। मैं घबरा गया, मैंने घर वालों को इत्तला दी, घर वाले भी घबरा गए। मैंने देखा कि सवेरे इमाम आए मगर इस तरह से कि सर बरहला थे। मैंने अर्शिया फरजंद रसूल कहाँ थे तमाम रात, तो बेख्तियार आंखों से आंसू बहा के कहा, आज की रात मैं बगदाद में था, मेरे बाप को गुस्ल कफन दे रहा था, अपने आखिरी फरीजे को अदा कर रहा था। रावी ने अर्ज की, फरजंद रसूल, कदर गिरामी ने कोई खास वसीयत फरमाई थी? इतना सुनना था कि और रोने लगे इमाम रिजा, और रोने लगे। देखिए ये भी एक खसूसियत है, याद रखें। इमाम रिजा और रोने लगे। रावी ने पूछा, फरजंद रसूल क्या वसीयत थी? कहा, मरते वक्त मुझे ये वसीयत थी कि बेटा अली, जब मुझे दफन करना तो मेरे हाथ और पांव से जंजीरों को जुदा न करना, इन्हीं जंजीरों के साथ मुझे दफन करना, ताकि अल्लाह का रसूल देखे कि उसके बेटे पे क्या गुजर। ये 25वीं रजब है जिस पे उलमा ने इत्तेफाक किया कि 25 रजब की सुबह थी और बगदाद में ऐलान कर दिया गया कि वो सैयद अलवी जो सिंधी बिन शाहिक की कैद में था, उसने कजा की। लोग जूग जूग जमा होते चले, हुक्काम आए, उलमा आए, सबों ने दस्तखत की कि मूसब न जाफर अपनी तबई मौत से मर गए, जैसा कि अभी अब किया, इल्ला इमाम अहमद इब्न हम्बल के इन्होंने सर पीटना शुरू किया कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा। और ऐसे में ये लाश उठी। रावी कहता है कि हुकूमत का इतना खौफ था के दोस्तों में कोई ना सका, और 4 हम्माल एक कम्बल में अली इब्न मुसर रजा की लाश को लिए हुए बगदाद के पुल पर पहुंचे और ये पुकारते हुए चले, ये वो है जो इमामत का दावा करता था, ये वो है जो अपने आप को इमाम कहता था। अबू जाफर मंसूर
का बेटा सुलेमान हारून का चचा बयान करता है कि मैं दरिया की सैर करते हुए अपने बाम पर बैठा हुआ था कि मैंने देखा कि बगदाद के पुल पर एक मैयत रखी है और तीन चार आदमी उसके गिर्द खड़े हैं। मैंने पूछा कि ये किस गरीब की मैयत है जो यहाँ रखी है। लोगों ने कहा अमीर अगर अमान मिले तो हम कहें ये जाफर सादिक के बेटे की लाश है, ये मुसन्ना जाफर की लाश है। हुक्म नहीं है हाकिम का कि कोई जनाजे की मुशायत करे। इतना सुनना था कि वो बाम पर से कूदा और कहा जाके हारून को कह दो कि मैं वारिस हूँ। और ये कह के आवाज दी आओ बगदाद वालों आओ, गरीब का जनाजा बड़ी शान से उठाएंगे। और ये कह के 2500 दीनार का कफन दिया और खुद जनाजे को कांधे पर लेके चला। सारा बगदाद साथ हो गया। अरे गुर्बत में जब कोई साथी मिल जाता है तो इस तरह गरीबों की लाश उठ जाती। मैंने तकरीर खत्म की और सिर्फ एक जुमला बाकी है, उसको सुनो महफूज रखो और तमन्ना करो कि हम सब के लिए यह अमर सही हो। सूरत हाल यह है कि हजरत मूसा बिन जाफर का एक अजीब इरशाद है और वो इरशाद था मोहम्मद इब्न अली नैशापुरी से कि मोहम्मद इब्न अली नैशापुरी मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कहना और ये कहना कि जब कोई मेरा दोस्त आलम गुर्बत में कहीं मर जाता है तो मूसा बिन जाफर उसके जनाजे की नमाज। سیدی و مولایا ربی خدا بندہ ہم کو کامل ایمان ہمارے حوائج دینی و دنیوی پر لا، ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے زندوں پر رحم فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، تعجیل فرما۔